टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो आज का टॉपिक है हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। आपके हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ से। तो आपको जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ वाला टॉपिक है इसमें पढ़ के क्या क्या जाना है जो आपके एग्ज़ाम पर्पस से आपको हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पर आपको जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ आती हैं, चाहे आपकी कार्डियक प्रॉब्लम ले लो, बीपी बढ़ने की ले लो, स्पेशली जो कम्युनिटी में होती हैं वो आपको मेनली पढ़ के जाना है आपके एग्ज़ाम में, वो आपको रखी हुई मिलेगी। ब्लड प्रेशर से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, साथ ही साथ डायबिटीज़ से आता है, कैंसर से, स्ट्रोक से, एक्सीडेंट से। तो ये सब क्या होगा, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हो गई जो आपके एग्ज़ाम में आती हैं। फर्स्ट एड से आपको क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, कम्युनिकेबल डिसीज़ से आते हैं। तो यहाँ पर आज का टॉपिक है, हम जो बाकी के टॉपिक्स की बाद में बात करेंगे। और RML का जो भी लोग लखनऊ के लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं, आई थिंक उसके एडमिट कार्ड आ गए हैं, तो आप लोग अपने एडमिट कार्ड है जो डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट पर जाके। जिनका भी अपकमिंग टाइम में जहाँ पर भी एग्ज़ाम है, ये क्वेश्चन सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं, तो क्लास में एंड तक ज़रूर बने रहें। जो भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को ज़रूर ज्वाइन किया कीजिए, जिससे आपके अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम्स में आपकी हेल्प हो सके। जो भी लोग जहाँ का भी CHO के पेपर्स दे रहे हैं, NHM के पेपर्स दे रहे हैं, आप PDF परचेस करना चाहते हैं तो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पेपर्स को ले सकते हैं, या फिर जो ऑफिशियल ऐप है हमारी वहाँ पे जाके आप पेपर्स को परचेस कर सकते हैं एज यू विश। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन ऐड किया गया है वो है, अ ग्लैंड दैट डिसअपीयर्स इन द एडल्ट बट इनएक्टिव ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि ये ग्लैंड है जो कि एडल्टहुड में डिसअपियर हो जाएगी, लेकिन ड्यूरिंग द चाइल्डहुड एक्टिव रहेगी। बचपने में क्या रहेगी, एक्टिव, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगी डिसअपियर होते जाएगी। हाइपोथैलेमस, पैराथायरॉइड, थाइमस या फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स, तो कौन सी ग्लैंड है एज बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाएगी, ये डिसअपियर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा थाइमस ग्लैंड। कौन सी, थाइमस ग्लैंड। एक स्मॉल ग्लैंड है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम का ही पार्ट्स है, और ये वाइट ब्लड सेल्स, इनको हम टी सेल्स कहेंगे, वो क्या करेगी, निकालने का काम करती है। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। और ये रहती कहाँ पर है, यदि आपको एग्ज़ाम में आता है तो रहती कहाँ पर है, मतलब यदि इसकी लोकेशन आपको पूछे तो अपर चेस्ट बिहाइंड योर ब्रेस्ट बोन, मतलब स्टर्नम के पीछे जो ब्रेस्ट बोन है जिसको हम स्टर्नम कहेंगे, उसके पीछे की साइड रहेगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये अपने आप डिसअपियर हो जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर, नर्स टीच द पेशेंट टू रोटेट द साइट ऑफ इंजेक्शन इंसुलिन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट। तो यहाँ पर नर्स टीच करती है क्लाइंट को इंसुलिन इंजेक्शन को रोटेट करने के लिए, तो किस साइड करेगी, थाई में, एब्डोमेन में, फोरआर्म में कि अपरआर्म में, किस साइड रोटेट करने के लिए कहेगी, तो ये कहेगी फोरआर्म के लिए। किसके लिए, फोरआर्म के लिए। नेक्स्ट वन इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज नोन एज, जो सिस्टोलिक BP है वो 120 होता है, डायस्टोलिक होता है 80 mmHg। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा, ब्लड प्रेशर, पल्स प्रेशर, लेटरल प्रेशर या फिर एपिकल प्रेशर। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच का जो डिफरेंस निकल के आता है वो कहलाता है पल्स प्रेशर। क्या कहलाएगा, पल्स प्रेशर होगा कितना, आपको 120 - 80 करना है तो निकल के आएगा कितना, 40। स्पेशली जो लोग महाराष्ट्र CHO का एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैं उनको बता दूँ आपको इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि आपको रेंज दे दी जाएगी कि सिस्टोलिक BP इतना है, डायस्टोलिक इतना है, पल्स प्रेशर कैलकुलेट कीजिए। ड्रग डोज कैलकुलेशन के क्वेश्चन भी आपको हर एक एग्ज़ाम में भी, स्पेशली CHO एग्ज़ाम में भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोग अपना ड्रग कैलकुलेशन वाला जो आपके स्पेशली ट्रिक्स हैं वो याद रखें, जिससे कुछ भी वैल्यू दे दें आपको कैलकुलेट करना ईजी हो जाए। तो ऐसे ही पल्स प्रेशर हम कैसे निकालेंगे, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को घटा के माइनस करके जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी, पल्स प्रेशर। नेक्स्ट वन, ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंट्रीज विथ हाई HDI आर कैटेगराइज्ड एज। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग जहाँ का HDI हाई है, दैट मीन्स वो कंट्री कैसी है, डेवलपिंग है, डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है या फिर बहुत ही कम डेवलप्ड है और लीस्ट डेवलप्ड है।
तो HDI इंडेक्स के अकॉर्डिंग यदि आपका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है जिस भी देश का हाई HDI है यहाँ पर, यदि आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिस भी देश का हाई है, मतलब वो कंट्री कैसी है, डेवलप्ड कंट्री है, कैसा है, डेवलप्ड आपका, तो यहाँ पर जो HDI इंडेक्स है, क्या है HDI इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जो हर साल ये जो एक रैंक निकाल के दी जाती है, तो ये किस बेस पे दी जाती है, तो HDI इंडेक्स है जो कैलकुलेट किया जाता है किस देश में है, जो कितना ज़्यादा स्पेशली हमें कह सकते हैं कि प्रॉपर सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं। यदि सबसे ज़्यादा जो HDI इंडेक्स है, हाईएस्ट जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंट्री है 2022 का, वो क्या है, स्विट्ज़रलैंड, क्या है स्विट्ज़रलैंड, 962वीं यहाँ पर इसकी रैंक आई है। यदि इंडिया की बात करें हम, अकॉर्डिंग टू जनता के जो HDI इंडेक्स निकल के आता है, तो यहाँ पर यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की रेंज क्या है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो इंडिया की रेंज यदि, तो इंडिया टॉप 10 कंट्रीज़ में बिल्कुल भी नहीं है। क्या है, इंडिया टॉप 10 कंट्रीज़, क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होंगी आपकी, अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, एक्सेस टू नॉलेज एंड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्या आपके रहने का तरीका क्या है, आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, वो लॉन्ग हेल्दी लाइफ आपकी क्या है, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। यदि 188 देश की जो काउंटिंग हुई उसके अकॉर्डिंग हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया की रैंक आई है 131वीं, कितनी, 131। और जितना ज़्यादा HDI इंडेक्स हाई होगा, मतलब आपका देश उतना ज़्यादा डेवलप्ड है, याद रखना है, जितना ज़्यादा HDI इंडेक्स ज़्यादा जाता है, मतलब आपके देश की जो हालत है, या फिर वे कह सकते हैं इकोनॉमिकल हालत के साथ साथ हेल्दी लाइफ स्टाइल की वो जो पॉइंट है यहाँ पर, आप समझिए वो क्या है, अच्छा है, आपके रहने सहने का तरीका अच्छा है, गरीबी नहीं है, स्वस्थ हैं सभी लोग, तो वो किस में आएंगे, जितना ज़्यादा HDI मतलब देश उतना क्या है, डेवलप्ड है। इंडिया की बात करें तो इंडिया तो एक डेवलपिंग कंट्री है, और यहाँ पर इसका HDI इस साल 2022 का कितना है, 131 आउट ऑफ 188 कंट्रीज में से इंडिया का जो HDI है कितना है, 131 है। नेक्स्ट वन, इंट्राडर्मल इंजेक्शन इज गिवन एट विच एंगल, तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन किस एंगल से दिए जाते हैं, 15, 30, 45 या फिर 90 डिग्री एंगल, तो जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन दिए जाते हैं, जैसे BCG वैक्सीन है, कितने रूट से दी जाती है एंगल से, 15 डिग्री के एंगल से। इंट्रामस्कुलर दिए जाते हैं 90 डिग्री से, जैसे कि यदि आपको एग्जांपल में पूछे तो मलेरिया की मेडिसिन हो गई आपकी, या फिर हेलोपेरिडॉल हो गया, या फिर आपके लिए इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से ही जो वैक्सीन दी जाती है वो हो जाती है। अभी वैक्सीन अलग अलग होंगी, सबके टेनिस दिया जाता है 45 डिग्री एंगल पर, इंट्रावीनस जब IV फ्लूड चढ़ाते हैं आप तो 25 डिग्री पर, और जो इंट्राडर्मल 10-15 डिग्री एंगल पर। नेक्स्ट वन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द चांस ऑफ फेलियर ऑफ कोल्ड चेन एट विच लेवल, तो कोल्ड चेन के फेल होने के चांसेस किस लेवल पर सबसे ज़्यादा होंगे, सब सेंटर में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कोल्ड चेन फेलियर के, कोल्ड चेन किसके लिए यूज़ की जाती है, जहाँ से वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग होने से लेके जहाँ तक वैक्सीन आपको पहुँचाना है, अवेलेबल करवाना है, वो पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर ट्रांसपोर्ट अवेलेबिलिटी तक जो पूरी प्रोसेस है वो कहलाती है कोल्ड चेन। और एक कोल्ड चेन कहाँ पर फेल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे, तो फेलियर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और सब सेंटर में होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग नहीं रहेगी या फिर प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, तो यहाँ पर कोल्ड चेन फेल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। देखिए कोल्ड चेन है क्या, मैन्युफैक्चर हुई वैक्सीन, वैक्सीन मैन्युफैक्चर होने के बाद से लेके नेशनल फैसिलिटी स्टोरेज में आएगी, फिर नेशनल से ट्रांसपोर्ट होके रीजनल हॉस्पिटल, लोकल क्लिनिक हॉस्पिटल, और जहाँ पर भी ज़रूरत है, जिस भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर सब सेंटर में, वहाँ पर भेजी जाएगी। लेकिन इस दौरान जो वैक्सीन है सबसे ज़्यादा कोल्ड चेन फेल होगी, मतलब वैक्सीन यूज़ करने लायक ही नहीं बचेगी, तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा, सब सेंटर में। एक तो यहाँ पर प्रॉपर यदि वैक्सीन आ गई प्रॉपर तरीके से रखने के लिए सुविधाएं वो नहीं होंगी, और इनके सोती भी है तो लाइट नहीं रहती है, तो जनरेटर नहीं रहेगा,
जिस रेफ्रिजरेटर में जो वैक्सीन है तो वो क्या होंगी, ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। कोल्ड चेन फेलियर होने के रिस्क सबसे ज़्यादा कहाँ पर होंगे, सब सेंटर और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द डोज ऑफ विटामिन के गिवन टू न्यू बॉर्न वेटिंग लेस देन 1500 ग्राम। तो यदि बच्चे का वेट कितना है, 1500 ग्राम है, सॉरी 1500 ग्राम से भी कम है, तो कितना आप उसको विटामिन के का इंजेक्शन देंगे। 5 mg सबक्यूटेनियस, 1 mg सबक्यूटेनियस, 1 mg इंट्रामस्कुलर या फिर 2 mg इंट्रामस्कुलर। तो यदि बच्चे का वेट 1 kg से ज़्यादा होता है तब आप उसको देंगे 1 mg IM, कितना, 1 mg इंट्रामस्कुलर। लेकिन यदि बच्चे का वेट क्या है, 1 kg से भी कम है, तब आप उसको 0.5 mg देंगे, कितना, 0.5 mg। लेकिन 1 kg से ऊपर जा रहा है बच्चा तो कितना देना है आपको, 1 mg इंट्रामस्कुलर रूट से। क्यों देना है, ताकि बच्चे को हेमरेज और ब्लीडिंग से प्रिवेंट कर सके। यदि फर्स्ट 24 आवर में नहीं दे पाया आप विटामिन के का इंजेक्शन, तो बाद में देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वन, हाउ मैनी टाइम्स शुड इन्फेंट बी ब्रेस्ट फीड इन 24 आवर। तो एक इन्फेंट को जो ब्रेस्ट फीड करता है उसको एटलीस्ट 24 आवर में कितने बार ब्रेस्ट फीडिंग करना है, एटलीस्ट 6 times, एटलीस्ट 8 times, एटलीस्ट 10 times या फिर एटलीस्ट 12 times। यदि कोई बेबी ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो एटलीस्ट उसको 24 घंटे में 12 बार तक ब्रेस्ट फीडिंग करना है, एवरी 2 आवर में ब्रेस्ट फीड करवाना है बेबी के लिए। इनिशियल टाइम की यदि बात करें हम, इनिशियल जो इन्फेंसी एज है, तो उसमें आपको फर्स्ट 24 आवर में बेबी के लिए कितना कराना है, एटलीस्ट 12 times तक, 24 घंटे में 12 बार, 8। और जब पर एक फीड के बाद बेबी क्या करेगा, एटलीस्ट 2 आवर तक बिल्कुल पीसफुली सोएगा, मतलब बेबी का पेट है जो टमी है क्या हो गया, फुल हो गया है। नेक्स्ट वन, विच वैक्सीन इज नॉट गिवन एट द टाइम ऑफ बर्थ, है क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आप लोग रट लीजिए। सबसे पहले ये याद कीजिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है, तो बाकी आपको इजीली याद हो जाएंगी। कौन सी वैक्सीन एट द टाइम ऑफ बर्थ नहीं दी जाती, BCG दी जाती, OPV दी जाती, हेपेटाइटिस भी दी जाती, लेकिन पेंटावेलेंट वैक्सीन 6, 10 और 14 वीक्स की एज में दी जाती है, जिसमें आपका DPT, HIV एंड यहाँ पर आपका हेपेटाइटिस भी वैक्सीन इंक्लूडेड रहेगा। जो नहीं दी जाती वो क्या, पेंटावेलेंट वैक्सीन। नेक्स्ट वन, पेंटावेलेंट वैक्सीन फर्स्ट डोज इज गिवन एट व्हाट एज, पेंटावेलेंट वैक्सीन का फर्स्ट डोज है जो किस एज में दिया जाता है, 10 वीक, 12 वीक्स, 9 वीक्स या फिर 6 वीक्स। पेंटावेलेंट वैक्सीन का फर्स्ट डोज की यदि हम बात करते हैं तो ये दिया जाता है 6 वीक की एज में, दूसरा डोज दिया जाता है 10 वीक में, फिर जो थर्ड होता है वो दिया जाता है कब, 14 वीक्स की एज में। हर एक जो फर्स्ट एक डोज है, सिंगल डोज है यदि इसका, तो उसमें एटलीस्ट 4 वीक का गैप है जो दिया जाता है। इसी के साथ में पेंटावेलेंट वैक्सीन के साथ में ही 6, 10, 14 वीक्स में रोटावायरस वैक्सीन भी है जो दिया जाता है बच्चों में, ओरली 5 ड्रॉप्स है जो दी जाएंगी डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए। क्वेश्चन है यहाँ पर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स फ्रॉम लिवर टू एडिपोज टिश्यू इज द फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लिपोप्रोटीन। ये क्वेश्चन आपका न्यूट्रिशन सेक्शन में भी ऐड हो जाता है, जो आपको न्यूट्रिशन से क्वेश्चन आने हैं। तो ट्राइग्लिसराइड्स हैं जो लिवर से एडिपोज टिश्यू में ट्रांसपोर्ट होते हैं, ये किसका, किस लिपोप्रोटीन का काम है, LDL, HDL, VLDL या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये काम कौन करेगा, लिवर से एडिपोज टिश्यू तक ट्राइग्लिसराइड्स को ट्रांसपोर्ट करने का, तो ये करेगा VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। दो तरीके के जो लिपोप्रोटीन्स होते हैं, एक होता है जो गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको कहते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल कहेंगे। यदि नॉर्मल वैल्यू और नॉर्मल रेंज पूछते हैं कोलेस्ट्रॉल की आपकी बॉडी में कितना होना चाहिए, लेस देन 200 mg/dL, 200 mg/dL से भी कम है, जो कि एडल्ट्स में क्या है, डिजायरेबल है। इससे आगे जाता है तो आपकी आर्टरीज में डिपॉजिट होना स्टार्ट होगा, हार्डनेस क्रिएट करेगा, ब्लड फ्लो नहीं होगा और आपको अदर प्रॉब्लम्स होगी। दो तरीके का कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर बताया गया है, बैड एंड गुड। LDL को हमेशा बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये
आर्टरीज में क्लॉट का फॉर्मेशन करने का काम करेगा। एचडीएल को हमेशा क्या कहा जाएगा, गुड कोलेस्ट्रॉल। यदि इसकी वैल्यू ज़्यादा है दैट मीन्स आपकी बॉडी में जो स्पेशली जो आर्टरीज में क्या हो रहा है, क्लॉट्स जो भी कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रहा है उसको बाहर निकालने का काम। येलो प्लास्टिक बैग्स कंटेनिंग बायोमेडिकल वेस्ट आर ट्रीटेड बाय, तो येलो कलर के जो प्लास्टिक बैग में जो भी बीएमडब्ल्यू होगा वो कैसे ट्रीट करेंगे हम, माइक्रोवेव से, ऑटोक्लेविंग से, डंपिंग से, किल्सिनरेशन से। तो येलो प्लास्टिक बैग में क्या रहेगा, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट रहेगा, इसमें प्लेसेंटा हो सकता है, ब्लड हो सकता है, या फिर कुछ भी बॉडी के पार्ट्स हैं आफ्टर एम्पुटेशन के बाद के हो सकते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, इंसिनरेशन के थ्रू क्या करेंगे, या जो ट्रीट करेंगे इसके थ्रू, इंसिनरेशन के थ्रू। यदि आपको इंस्ट्रूमेंट्स के लिए कहते हैं या फिर कुछ और प्रोसेस के लिए कहते तब आप ऑटोक्लेविंग कह सकते हैं, लेकिन यदि आपको कहा जाता है बॉडी पार्ट्स के लिए या फिर ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट के लिए, तब हमें क्या करना है, इंसिनरेशन। येलो प्लास्टिक बैग में हॉस्पिटल में ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट ही कलेक्ट है जो कि फॉलोइंग इन्फेक्शंस आर ट्रांसमिटेड थ्रू एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस ब्लड आर एक्सेप्ट, तो सभी ट्रांसमिशन है, इन्फेक्शियस डिसीज का ट्रांसमिशन है इन्फेक्टेड ब्लड को थ्रो होगा किसी एक को छोड़कर। एक क्वेश्चन अभी रिसेंट में जो झारखंड CHO का पेपर हुआ है 22 जून को, उसमें भी आया है, मैंने पेपर अपडेट कर दिया है चैनल पर, जो नर्सिंग सब्जेक्ट था उसको अपडेट किया है, जो सेकंड सेक्शन है नॉन नर्सिंग, तो वो मैं आज आपको रात में अपडेट कर दूंगी। तो यहाँ पर जो इन्फेक्शन है ब्लड के थ्रो सब होगा किसी एक को छोड़कर, तो वो तो हेपेटाइटिस बी सी HIV तीनों होंगे ब्लड से। इवन हेपेटाइटिस सी को तो ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस तक कहा जाता है, हेपेटाइटिस बी को सीरम हेपेटाइटिस कहा जाता है, और HIV, तो तीनों किससे हो सकते हैं, इन्फेक्टेड ब्लड से। लेकिन हेपेटाइटिस ए ई और हेपेटाइटिस ए दोनों किससे होते हैं, फीको ओरल रूट से, किससे, फीको ओरल रूट से। तो यहाँ आपने सभी ने सही आंसर दिया हुआ है, आंसर है ऑप्शन नंबर डी हेपेटाइटिस ए, क्योंकि हेपेटाइटिस ए और ई दोनों किससे होते हैं, फीको ओरल रूट से, ना कि कंटामिनेटेड ब्लड से। नेक्स्ट वन इज द गोल ऑफ नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन इन इंडिया इज बाय, तो इंडिया में गोल सेट किया गया है कि हमें मलेरिया को कब तक है जो इरेडिकेट करना है इंडिया से, एलिमिनेट करना है, सॉरी इरेडिकेट करना और एलिमिनेट करना दोनों अलग अलग टर्म है यहाँ पर, तो एलिमिनेट करना है कब तक, 2024 तक, 2025 तक, 2027 तक, या फिर 2030 तक एलिमिनेट करने का, तो कब तक करना है इंडिया से मलेरिया को एलिमिनेट, 2030 तक, कब तक करना है, 2030 तक। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स चैनल पर पढ़े हुए हैं और उनमें से यदि कुछ प्रोग्राम्स छूटे हुए हैं, आपको उनमें डाउट हो, तो प्लीज़ वीडियोस के कमेंट बॉक्स में ज़रूर उन प्रोग्राम्स के नाम लिख दें, क्योंकि इतने ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं और ऑलरेडी हम 70% तक प्रोग्राम्स हैं जो पढ़ चुके हैं, बट फिर भी अभी अपकमिंग जो भी लोग अलग अलग एग्ज़ाम देते हैं उनमें अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स आते हैं, तो आप उन प्रोग्राम्स के नाम हैं जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, ताकि जो नेक्स्ट क्लास होगी आपको पूरे प्रोग्राम्स हैं जो कंप्लीट करवा दिए जाएँ, क्योंकि प्रोग्राम्स में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है आप लोगों को। तो यहाँ पर मलेरिया एलिमिनेट करने का टारगेट कब तक का सेट किया गया है, 2030 तक का। नेक्स्ट वन इज़ द एम ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान इज़ टू एलिमिनेट ट्यूबर क्लॉसेस, ये देखिए दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, एक में कहा है मलेरिया एलिमिनेशन कब तक करना, 2030 तक, दूसरे में कहा है कि एक नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान है जिसमें हमें TB को एलिमिनेट करना है, तो कब तक ट्यूबर क्लॉसेस को एलिमिनेट करना है, ऑप्शन में 2025, 2030, 2035 या फिर 2040, तो जो एलिमिनेशन कहा गया है ट्यूबर क्लॉसेस को लेके, तो कब तक करना है, करना है हमें 2025 तक। यदि मलेरिया पूछे तो 2030, TB पूछे तो 2025 तक। नेक्स्ट वन इज टेलीफोन नंबर ऑफ फॉर नेशनल एम्बुलेंस सर्विसेज इन इंडिया, तो सभी लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं है पता वो लोग यहाँ पर देखें, तो एम्बुलेंस सर्विस, हमें यदि एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है तो हम कहाँ पर कॉल करते हैं, किस नंबर पर कॉल करेंगे, 108 102 100 108 100 102 या फिर 100 110। तो जो यहाँ पर नेशनल एम्बुलेंस सर्विस है ऑल इंडिया में कहीं पर भी आपको, तो क्या है 108 102
ये क्या है, नेशनल एम्बुलेंस सर्विसेज के नंबर हैं, टेलीफोन नंबर है। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु सेट्स द इन्फेक्शियस एजेंट ड्यूरिंग अर्ली फेज ऑफ द डिसीज व्हेन द इन्फेक्शियस एजेंट हैज एंटर्ड द बॉडी एंड द बॉडी हैज नॉट स्टार्टेड शोइंग सिम्टम एंड साइन ऑफ द डिसीज दैट इज नोन एज। यहाँ पर क्वेश्चन है कि कोई पर्सन किसी इन्फेक्शियस एजेंट के कॉन्टैक्ट में आया है लेकिन वो अर्ली फेज में है डिसीज की, उसकी बॉडी ने अभी तक कोई साइन सिम्टम्स शो नहीं किए हैं, तो ये क्या कहलाएगा? कन्वर्जेंट कैरियर, दैट मीन्स दूसरों को किस तरीके से है जो हार्म पहुंचा सकते हैं, फिर किस तरीके से दूसरे पर्सन के लिए इन्फेक्शन दे सकता है। इनक्यूबेटरी कैरियर, हेल्दी कैरियर या फिर पैसिव कैरियर, तो पर्सन किस टाइप का है जो करियर कहलाएगा, तो ये कहलाएगा इनक्यूबेटरी कैरियर। इनक्यूबेटरी कैरियर का मतलब है कि पर्सन को ऑलरेडी डिसीज हो गई है अर्ली फेज में डिसीज की, इन्फेक्शियस एजेंट उसकी बॉडी में एंटर हो चुका है लेकिन उसने अभी तक साइन सिम्टम्स वो नहीं किए हैं उसकी बॉडी ने, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इनक्यूबेटरी करियर। फिर इज द राइट आंसर इज बी। और यहाँ पर जो अदर करियर है वो भी हम देखते हैं, क्योंकि कन्वर्जेंट, हेल्दी और पैसिव। हेल्दी करियर का मतलब है कि पर्सन की बॉडी में अब कोई साइन सिम्टम्स वो नहीं हो रहे लेकिन अभी भी उसकी बॉडी में इन्फेक्शन है, रिकवर हो रहा है, वो हेल्दी में आ जाएगा। और यहाँ पर जो कन्वर्जेंट करियर ऑफ इन्फेक्शन की, कौन कौन है जो इन्फेक्शन और जो करियर है किस तरीके से वाहक बन सकते हैं इन्फेक्शन के, तो यहाँ पर है इनक्यूबेटरी, कॉन्टैक्ट, कन्वर्जेंट या फिर क्रॉनिक करियर। तो यहाँ पर जो इनक्यूबेटरी करियर है दैट मीन्स अ पर्सन कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग एन इन्फेक्शियस एजेंट टू अदर्स ड्यूरिंग द इनक्यूबेशन पीरियड ऑफ द डिसीज। तो इनक्यूबेशन पीरियड जब डिसीज़ का चल रहा है उस टाइम पर पर्सन क्या कर सकता है, इन्फेक्शन है जो स्प्रेड आउट कर सकता है, तो क्या है इनक्यूबेटरी पीरियड, इनक्यूबेटरी कैरियर। इनक्यूबेटरी कैरियर का मतलब आपकी बॉडी ने साइन सिम्टम दिखाए इन्फेक्शियस एजेंट के और आपकी बॉडी क्या कर रही है, दूसरों को इन्फेक्शन दे सकती है, तो क्या है इनक्यूबेटरी कैरियर। दूसरा था कॉन्टैक्ट, जब आप किसी हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में जाएंगे और आप इन्फेक्शियस हैं किसी भी डिसीज़ को लेके, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू जो इन्फेक्शन देंगे उस पर्सन को क्या कहना है, कांटेक्ट करियर। अ पर्सन हु इज़ इन कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन एंड कैरीज द जर्म्स आइडेंटिकल टू द डिसीज कॉजिंग जर्म्स, तो क्या है कॉन्टैक्ट करियर। फिर थर्ड वन आता है कन्वर्जेंट कैरियर। कन्वर्जेंट का मतलब होगा रिकवरी फेज में है आप, आपको कोई डिसीज़ हुई है, कम्युनिकेबल डिसीज़ या फिर कंटेजियस डिसीज़ हुई है लेकिन आप रिकवरी फेज में हैं डिसीज़ की, लेकिन आप स्टिल कैपेबल हैं दूसरों को डिसीज़ कॉज करने के लिए, इन्फेक्शन ट्रांसमिट करने के लिए, वो क्या कहलाएगा कन्वर्जेंट करियर। अ पर्सन हु इज़ क्लिनिकली रिकवर्ड फ्रॉम एन इन्फेक्शियस डिसीज़ बट स्टिल कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग द इन्फेक्शियस एजेंट टू अदर्स, तो क्या कहलाएंगे कन्वर्जेंट करियर। थर्ड आता है क्रॉनिक करियर। क्रॉनिक करियर का मतलब होगा एन इंडिविजुअल हु एक्ट्स एज होस्ट टू पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, मतलब कि आपकी बॉडी एक होस्ट का काम करेगी किसी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को रहने देने के लिए, जो कि लंबे टाइम तक रहेगा विदाउट किसी साइन सिम्टम के, तो क्या कहलाएंगे क्रॉनिक करियर। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन सीन इन डायबिटीज एक्सेप्ट, तो यहाँ पर माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन सभी हैं डायबिटीज़ को लेके किसी एक को छोड़कर, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी या फिर कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, तो यहाँ पर क्या है माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ के सभी लेकिन किसी एक को छोड़कर, तो क्या है कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। बाकी रेटिनोपैथी होगा, न्यूरोपैथी होगा, नेफ्रोपैथी होगा लेकिन कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ है जो डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज़ यूजुअली सीन इन क्वासीओरकर बट नॉट इन मरास्मस, मोस्ट कॉमन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइंड में सेट करके रखिए अपने कि क्वासीओरकर में जो सिम्टम देखने को मिल रहे हैं लेकिन मरास्मस में देखने को नहीं मिलेंगे, दोनों ही माल न्यूट्रिशन के अलग अलग टाइप हैं क्वासीओरकर और मरास्मस, तो यहाँ पर क्वासीओरकर में जो साइन देखने को मिलते हैं मरास्मस में नहीं होंगे। ऑप्शन है यहाँ पर चिल्ड्रन अपीयर एमिसिएटेड, इरिटेबल, वीक एंड लेथार्जिक, दूसरा है मंकी और एज्ड फेस, थर्ड है स्किन इज ड्राई, रिंकल्ड एंड लूज,
फोर्थ जनरलाइज्ड एडिमा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर क्वासियोरकर में जो साइन है लेकिन मरास्मस में नहीं होगा, जनरलाइज्ड एडिमा। क्वासियोरकर में एडिमा देखने को मिलेगा, मरास्मस में देखने को नहीं मिलेगा। मरास्मस के बच्चे को हम क्या कह सकते हैं, सूखा जो बच्चा बिल्कुल पूरा हड्डी हड्डी देखेंगी, जिसमें फैट है जो देखने को नहीं मिलेगा, स्वेलिंग देखने को नहीं मिलेगी। यही एक क्या है मेन साइन है जो आप याद रख सकते हैं कि मरास्मस के बच्चे पूरे सूखे हुए रहते हैं, हड्डी बस देखने को मिलती है उनमें, तो क्या है मरास्मस। और यहाँ पर यदि एग्ज़ाम में बात आती है एडिमा की तो वो क्वासियोरकर के पेशेंट में देखने को मिलेगी लेकिन मरास्मस में नहीं। नेक्स्ट वन इज द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बी एच एस एन सी इज कैरिड आउट। तो जो बी एच एस एन सी है इसका रिकॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ था, ये जो बी एच एस एन सी है आपको एग्ज़ाम में आता है तो यहाँ पर बताना है आपको कि वी एच एस एन सी है जो कब रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था, विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमिटी। क्या है, विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशनल कमिटी है जो कब बनाई गई थी। डिपेंडिंग ऑन द कम्युनिटी नीड्स, तो एक केस किस तरीके से बनाई जाती है कम्युनिटी की नीड्स के हिसाब से, एवरी फाइव ईयर व्हेन न्यू पंचायत इज सिलेक्टेड या फिर एवरी ईयर। तो जो वी एच एस एन सी है, वी एच एस एन सी कब बनाया जाता है, तो विलेज हेल्थ सैनिटरी सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमिटी कब बनती है, जब हर बार पंचायत सिलेक्ट होती है। तो अभी इस बार ऑलरेडी पंचायत के चुनाव बहुत सारी जगह हो चुके हैं, कहीं कहीं अभी होने वाले हैं। तो जो विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी है, जब भी पंचायत न्यू पंचायत इलेक्ट होती है तब बनाई जाती है। और इसका जो काम क्या होता है, वी एच एस एन सी कमेटी है क्या करती है, मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ द विलेज पॉपुलेशन, गांव की कितनी जनता है, स्पेशली वल्नरेबल ग्रुप जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन, चिल्ड्रन, मालनरिस्ड बच्चे, और बर्थ और डेथ रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना है, क्या है वी एच एस एन सी का एक फंक्शन है जो आपको एग्ज़ाम में आ सकता है, वी एच एस एन सी का फंक्शन। तो इसका काम क्या होगा कि जो डेथ और बर्थ जो भी वाइटल इवेंट्स हैं उनको रिकॉर्ड को मेंटेन करना, वल्नरेबल ग्रुप्स जिसमें मालनरिश्ड बच्चे और प्रेग्नेंट महिलाएं आएंगी, वो विलेज की पॉपुलेशन का रिकॉर्ड रखना। नेक्स्ट वन इज राहुल एज्ड फोर ईयर इज ब्रॉट टू द पी एस सी फॉर वैक्सीनेशन। ऑन हिस्ट्री टेकिंग यू रियलाइज दैट द चाइल्ड हैज नेवर बीन वैक्सीनेटेड और इम्यूनाइज्ड, व्हाट वुड बी यू एडमिनिस्टर एट द स्टेट डोज। यदि कोई चार साल का बच्चा पीएचसी में लाया जाता है वैक्सीनेशन के लिए, उसकी हिस्ट्री में पता चलेगा कि उसको कभी भी कोई वैक्सीन नहीं लगी है, तो आप उसको कौन सी वैक्सीन देंगे चार साल की एज में। ऑप्शन में है यहाँ पर डीपीटी, ओपीवी, मीजल्स, 2 ml ऑफ विटामिन ई सॉल्यूशन, डीपीटी का फर्स्ट डोज और ओपीटी का फर्स्ट डोज, मीजल्स एंड 2 ml ऑफ विटामिन ए सॉल्यूशन, या फिर डीपीटी का फर्स्ट डोज, ओपीवी का फर्स्ट डोज, मीजल्स एंड 2 ml ऑफ विटामिन ए सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप इस बच्चे को क्या एडमिनिस्टर करेंगे, डीपीटी का फर्स्ट डोज क्या देंगे, चार साल का बच्चा पीएससी में लाया गया है तो डीपीटी का फर्स्ट डोज देंगे, ओपीवी का फर्स्ट डोज देंगे, मीजल्स देंगे और 2 ml विटामिन ए सॉल्यूशन देंगे, क्या करेंगे 2 ml विटामिन ए सॉल्यूशन देंगे। नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग अ पॉजिटिव सेक टेस्ट एक्सेप्ट। जो सेक टेस्ट है यहाँ पर पॉजिटिव सभी स्टेटमेंट्स में माना जाएगा किसी एक को छोड़कर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि पॉजिटिव किस कब माना जाएगा सेक टेस्ट। तो यहाँ पर जो सेक टेस्ट है किसके लिए किया जाता है, तो ये वैक्सीन के लिए किया जाता है जिसको हम बबल्स और फॉर्म टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, जो कि यहाँ पर किसके लिए किया जाता है, वैक्सीन्स के लिए किया जाता है सेक टेस्ट। तो यहाँ पर जो भी वैक्सीन डैमेज हुई हैं या फिर किस तरीके से काम करती हैं इसके लिए किया जाता है, फ्रीजर कंपार्टमेंट में कौन सी वैक्सीन सेंसिटिव रही हैं, तो इनके लिए टेस्ट होता है सेक टेस्ट। अब यहाँ पर सभी स्टेटमेंट सही हैं पॉजिटिव सेक टेस्ट के लिए किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में फाइन सैंड लाइक पार्टिकल्स आर सीन एट द बॉटम ऑफ द वायल। जो वायल है वैक्सीन का उसमें फाइन और सैंड लाइक पार्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं बॉटम पर। नेक्स्ट है द वैक्सीन एंड द लिक्विड डज नॉट मिक्सड अप। वैक्सीन और लिक्विड दोनों मिक्स नहीं हो रहे हैं। फ्लॉक्यूल्स विल बी सीन इन द वैक्सीन। फ्लॉक्यूल्स देखने को मिल रहे हैं वैक्सीन में,
द वैक्सीन शुड बी डिस्कार्डेड। तो यहाँ पर जो नहीं होगा पॉजिटिव सेक टेस्ट में वो क्या होगा, फाइन सैंड लाइक पार्टिकल्स आर सीन एट द बॉटम ऑफ द वायल। तो सेक टेस्ट है जो कब किया जाता है, दैट इज़ यूज्ड फॉर डिटरमाइन इफ एन एब्जॉर्ब्ड वैक्सीन हैज़ बीन फ्रोजन एनी टाइम इन द पास्ट। सेक टेस्ट किया जाता है कि कोई भी वैक्सीन पास्ट में फ्रोज तो नहीं हुई है, जमी तो नहीं है, उसको चेक करने के लिए। तो यहाँ पर जो टेस्ट वैलिड माना जाता है जब एब्जॉर्ब्ड वैक्सीन्स रही हों, जैसे कि DPT, DT, TT, पेंटावेलेंट और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। तो यहाँ पर सेक टेस्ट सभी केस में पॉजिटिव माना जाएगा, लेकिन जब फाइन एंड सैंड लाइक पार्टिकल्स देखेंगे बॉटम में तब सेक टेस्ट पॉजिटिव नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट वन इज सीजोफेनिया इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज। तो सीजोफेनिया को किस कैटेगरी में रखा जाता है, मूड डिसऑर्डर में, ऑब्सेशन डिसऑर्डर में, थॉट डिसऑर्डर में या फिर सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर में। तो सीजोफेनिया आता है थॉट डिसऑर्डर की कैटेगरी में, किस में आएगा, थॉट डिसऑर्डर की कैटेगरी में। नेक्स्ट वन इज EHR स्टैंड फॉर, तो EHR का फुल फॉर्म क्या है, ऑप्शन में इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रजिस्टर, एलिजिबल हेल्थ रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड या फिर एलिजिबल हेल्थ रिकॉर्ड। तो EHR का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। नेक्स्ट वन इज एन एक्शन विच हॉल्ट्स द प्रोग्रेस ऑफ डिसीज एट इट्स इंसिपिएंट स्टेज एंड प्रिवेंट्स कॉम्प्लिकेशन इज टर्म्ड एज। तो ऐसी स्टेज आपको बताना है डिसीज़ की प्रोग्रेस की, जिसमें क्या हुआ हो, डिसीज़ हो गई हो इनिशियल स्टेज पर, लेकिन हमें कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना है ट्रीट करके। तो कौन सी प्रिवेंशन में आएगा, प्रीमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन या फिर टर्शरी प्रिवेंशन में। तो एक किस स्टेज कौन से प्रिवेंशन में आएगा, तो ये आएगा सेकेंडरी प्रिवेंशन में। प्राइमरी में तो हम हेल्थ एजुकेशन वैक्सीनेशन देके इनिशियल स्टेज पर ही डिसीज़ को हम प्रिवेंट करते हैं कि हो ही ना। सेकेंडरी में डिसीज़ हो गई है लेकिन हमें उसके कॉम्प्लिकेशन से बचाना है, तो किस में आएगा, सेकेंडरी में। टर्शरी में कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गए हैं, अब रिहैबिलिटेशन की बारी आने वाली है, तो किस में आएगा, टर्शरी प्रिवेंशन में। नेक्स्ट वन इज सेंटर इन द हिली रीजन रेंडर सर्विसेज टू अ पॉपुलेशन। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है कि हिली एरिया में एक सब सेंटर कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है, तो 3000। प्लेन एरिया कहें तो 5000। नेक्स्ट वन इज एन इंडिविजुअल हु हैज बीन एक्सपोज टू एंड हर्बोरस डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इन द रिकवरी फेज ऑफ इलनेस बट इज स्टिल इन्फेक्शियस इज रिफर्ड टू एज। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको करियर को लेकर अभी क्वेश्चन बताया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि कोई पर्सन किसी डिसीज को लेके एक्सपोज हो गया है लेकिन वो अभी रिकवरी फेज में है इलनेस की, बट उसको डिसीज अभी भी है, उसको इन्फेक्शन अभी भी है, कंप्लीट तरीके से रिकवर नहीं हुआ है, वो रिकवरी फेज में है, तो कौन सा करियर कहलाएगा, कन्वर्जेंस, टेम्प्ररी, इनक्यूबेटरी या फिर हेल्दी। तो इनक्यूबेटरी में तो वो आएंगे जो साइन सिम्टम्स शो कर रहे हैं, फिर आते हैं टेम्प्ररी जो कि शॉर्ट टर्म के लिए रहेंगे, और यहाँ पर लास्ट वो कन्वर्जेंट, तो क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट कैरियर, जिसमें पर्सन रिकवरी फेज में है लेकिन अभी भी उसको इन्फेक्शन है और दूसरों को इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकता है, वो क्या कहलाएंगे, कन्वर्जेंट कैरियर। नेक्स्ट वन इज डेफिशियंसी ऑफ नियासिन लीड्स टू परनीसियस एनीमिया। तो परनीसियस एनीमिया है जो किसकी कमी से होता है, नियासिन, विटामिन B12, विटामिन सी या फिर पायरिडॉक्सिन। तो परनीसियस एनीमिया होता है विटामिन B12 की कमी के कारण, डेफिशियंसी का मतलब है कमी, परनीसियस एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन B12 की कमी से। नेक्स्ट वन इज अ प्रेग्नेंट वूमेन हैविंग हीमोग्लोबिन लेवल बिलो हाउ मेनी ग्राम पर DL एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कंसिडर्ड टू बी सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। तो इसकी मैंने आपको कैटेगरी बताई थी WHO के अकॉर्डिंग, कि कितने से कम जाएगा जब माइल्ड मॉडरेट सीवियर कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है। अब यहाँ पर कहा है कि ओनली एनीमिया कंसिडर किया जाएगा प्रेगनेंसी में जब हीमोग्लोबिन लेवल कितने से कम हो जाए, 12, 11, 10 या फिर 9 से। तो यहाँ पर जब भी हीमोग्लोबिन लेवल प्रेगनेंसी में किसी भी स्टेज में, चाहे फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो सेकंड ट्राइमेस्टर हो, कितने से कम हो जाए, 11 ग्राम पर DL से कम हो जाता है, तब हम क्या कहेंगे इसको, एनीमिया।
नेक्स्ट वन इज द कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिसीज और इन्फेक्शन विद इन अ स्पेसिफाइड जियोग्राफिकल एरिया और पॉपुलेशन ग्रुप इज कंसिडर्ड टू बी, तो कोई भी डिसीज कोई भी इन्फेक्शन किसी एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में और पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है तो वो क्या कहलाएगा, एंडेमिक, एपिडेमिक, स्पोरेडिक या फिर पेंडेमिक। तो कोई एक जियोग्राफिकल एरिया को अफेक्ट करता है तो क्या, एंडेमिक, जब जियोग्राफिकल एरिया से आस पड़ोस के गांव में फैलेगा या फिर शहरों में फैलेगा वो क्या कहलाएगा, एपिडेमिक, और जब पूरे वर्ल्ड वाइड हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, पेंडेमिक। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ चिकनगुनिया डिसीज, चिकनगुनिया के ट्रांसमिशन में कौन सा है जो वेक्टर रिस्पॉन्सिबल है, एडिस मॉस्क्यूटो, क्यूलैक्स, सैंडफ्लाई या फिर एनाफ्लीज। तो यहाँ पर कौन सा मॉस्क्यूटो है जो कि चिकनगुनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है एडिस मॉस्क्यूटो। कौन सा, एडिस मॉस्क्यूटो। नेक्स्ट इज प्रोग्रेसिव ल्यूकोपनिया एंड सीवियर एनीमिया आर स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ, तो प्रोग्रेसिव ल्यूकोपनिया और यहाँ पर सीवियर एनीमिया किसके फीचर हैं, ऑप्शन में है डेंगू, कालाजार, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस या फिर मलेरिया। तो दोनों यहाँ पर क्लासिकल साइन बताए हैं कि किसके साइन हैं, ल्यूकेमिया नहीं है यहाँ पर, ल्यूकोपनिया है। तो यहाँ पर ल्यूकोपनिया और जो सीवियर एनीमिया है ये किसके साइन है, तो यहाँ पर ये दोनों किसके साइन है, ये हैं काला आजार के, किसके, काला आजार के दोनों ही साइन है। ल्यूकोपनिया का मतलब होगा डिक्रीज इन द नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट, WBC की काउंटिंग घटना, क्या होना, WBC है जो ल्यूकोसाइट्स है उसकी काउंटिंग क्या होना, नंबर है जो डिक्रीज होना, WBC है जो क्या होना, डिक्रीज होना, वो क्या है, ल्यूकोपनिया, सीवियर एनीमिया। तो ये दोनों किसके स्ट्राइकिंग फीचर हैं, काला आजार के। नेक्स्ट वन इज फॉगिंग इज अ मेथड टू किल द मॉस्क्यूटो स्टेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल, तो फॉगिंग है जो एक मेथड है किसके लिए, मॉस्क्यूटो को मारने के लिए। तो मॉस्क्यूटो की है कौन सी स्टेज पर मारेगी फॉगिंग के थ्रू, लार्वा पे, प्यूपा पे, एग पर या फिर एडल्ट पर, तो ये किस स्टेज पर काम करेगी, तो वो होगी एडल्ट पर। यदि बायोलॉजिकल पर पूछे, यदि बायोलॉजिकल वे में हमें मारना मेथड पूछते मछलियों को मारने के लिए तो फिश यूज़ की जाती है, लेकिन यदि यहाँ पर लाइफ साइकिल की बात हो रही तो किस स्टेज पर फॉगिंग से मारेंगे, एडल्ट स्टेज पर। लार्वा स्टेज पर बात करें हम तो कौन सी मेथड होगी, बायोलॉजिकल, जिसमें फिश का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर ऑफ कोरोनरी हार्ट डिसीज एक्सेप्ट, सभी यहाँ पर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं कोरोनरी हार्ट डिसीज को लेके किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में स्मोकिंग, जेनेटिक्स, हाई ब्लड प्रेशर या फिर एलिवेटेड सीरम कोलेस्ट्रॉल। तो मॉडिफाइबल, नॉन मॉडिफाइबल, एटलीस्ट हमने 10 times से ज़्यादा पढ़ लिए होंगे, तो मॉडिफाई जिनको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम स्मोकिंग को चेंज कर सकते हैं, सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करना हमारे हाथ में है, खाने पीने एक्सरसाइज से, हाई BP को स्ट्रेस फ्री रह के हम रोक सकते हैं, लेकिन हम जेनेटिक्स को है जो कंट्रोल नहीं कर सकते, क्या है, जेनेटिक्स को कंट्रोल हम नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, जेनेटिक्स, रेस, मेल फीमेल, ये सब क्या है, इन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो क्या है, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ हाफ्स विच रूल एड्रेस द स्टेटस ऑफ एडिक्वेसी इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, तो रूल ऑफ हाफ्स यूज़ किया जाता है हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए। रूल ऑफ हाफ्स के अकॉर्डिंग कौन सा रूल है जो हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट की एडिक्वेसी को बताएगा, रूल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ। रूल हाफ्स के अकॉर्डिंग, रूल ऑफ हाफ्स के अकॉर्डिंग रूल थर्ड है जो क्या करेगा, ट्रीटमेंट की एडिक्वेसी को बताएगा। अब यहाँ पर जो रूल है, रूल ऑफ हाफ्स फॉर हाइपरटेंशन स्टेट दैट हाफ द पीपल विथ हाई ब्लड प्रेशर आर नॉट नोन। रूल फर्स्ट क्या कहता है रूल ऑफ हाफ्स का, कि आधे से ज़्यादा लोगों को तो पता ही नहीं है, 50% लोगों को पता नहीं है कि उनको ब्लड प्रेशर है। फिर आता है दूसरा रूल, हाफ ऑफ दोज नोन आर नॉट ट्रीटेड। दूसरा रूल कहता है कि
जिनको पता है लेकिन वो ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, वो रूल सेकंड में आएंगे। थर्ड में आता है हाफ ऑफ दोज ट्रीटेड आर नॉट कंट्रोल्ड। थर्ड में आता है कि कंट्रोल ट्रीटमेंट के बाद भी कंट्रोल नहीं होता है तो किस में आएगा, रूल थर्ड में। तो यहाँ पर वही है, स्टेटस ऑफ एडिक्वेसी एंड ट्रीटमेंट फॉर हाइपरटेंशन। तो क्या है, रूल थर्ड। आपको याद रखना है रूल ऑफ हाफ्स किसके लिए यूज़ किया जाता है, हाइपरटेंशन के लिए। हाइपरटेंशन की स्टेट्स किया जाता है फर्स्ट में कि लोगों को पता नहीं है कि उनका बीपी बढ़ रहा है, सेकंड में पता है लेकिन ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, थर्ड में ट्रीटमेंट ले रहे हैं लेकिन कंट्रोल पे नहीं आ रहा है, बीपी बढ़ते ही जा रहा है बढ़ते ही जा रहा है, तो क्या कहलाएगा, रूल थर्ड। और नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज एन एब्यूज ऑफ एम्फेटामाइन। तो इनमें से एम्फेटामाइन का अब्यूजिंग एम्फेटामाइन का डिसऑर्डर कौन सा है, स्टिमुलेंट यूज डिसऑर्डर, हेलुसिनेशन यूज डिसऑर्डर, ओपियोइड यूज डिसऑर्डर, या फिर टोबैको यूज डिसऑर्डर। तो यहाँ पर जो एम्फेटामाइन है ये किससे रिलेट कर रही है, तो ये कर रही है स्टिमुलेंट डिसऑर्डर से, किससे, स्टिमुलेंट डिसऑर्डर से। तो आप किसको मार्क करेंगे यहाँ पर, स्टिमुलेंट यूज डिसऑर्डर। जो एम्फेटामाइन कैटेगरी की ड्रग है, एम्फेटामाइन जो मेडिसिन है एक स्टिमुलेंट ड्रग है, तो इसी को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट वन इज विजुअल इंस्पेक्शन विथ एसिटिक एसिड इज ए स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैंसर। तो विजुअल इंस्पेक्शन किया जाएगा किसके साथ, एसिटिक एसिड के साथ, तो एक कौन से कैंसर को डायग्नोस करने की स्क्रीनिंग के लिए किया जाएगा, ओरल, सर्वाइकल, ब्रेस्ट या फिर नेसोफेरेंजियल। तो सबको पता है पैप स्मियर हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, जिससे विजुअल इंस्पेक्शन हम करेंगे किसको, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए। नेक्स्ट वन इज एवरी VHSC इज एंटाइटल टू गेट रुपीज पर ईयर एज अनटाइड फंड। जो हमने पढ़ा अभी VHSC है यहाँ पर, कितना फंड उनको पर ईयर दिया जाता है, 5,000, 10,000, 15,000 या फिर 20,000 और 20,000। एवरी VHSC में कितना फंड रखा जाता है, 10,000, कितना, 10,000 पर ईयर। में फंड यदि आपको पूछें जनरली, ये जो टर्म एंड CHO एग्जाम होते हैं उसमें आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो एवरी VHSC में कितना फंड रखा जाता है पर ईयर, 10,000। नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ हेल्थ बिलीफ मॉडल एक्सेप्ट। तो सभी कंपोनेंट हैं हेल्थ बिलीफ मॉडल के किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है परसीव्ड CVRT, क्यूज टू एक्शन, परसीव्ड ग्रैंडियोसिटी या फिर परसीव्ड बैरियर्स। तो हेल्थ बिलीफ मॉडल के सभी कंपोनेंट हैं परसीव्ड ग्रैंडियोसिटी को छोड़कर। ये देखिए यहाँ पर जो हेल्थ बिलीफ मॉडल है इसके अकॉर्डिंग परसीव्ड ससेप्टेबिलिटी, परसीव्ड CVRT, हेल्थ मोटिवेशन, परसीव द बेनिफिट और परसीव द बैरियर्स। क्यूज रहेंगे एक्शन में और यहाँ पर साइकोलॉजिकल कैरेक्टर रहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो नहीं होगा वो होगा परसीव्ड ग्रैंडियोसिटी, जो कि हेल्थ बिलीफ मॉडल का हिस्सा नहीं है। अपने आप को बहुत ही उच्च लेवल पर मानना क्या है, परसीव्ड ग्रैंडियोसिटी। नेक्स्ट वन इज डेटा एंट्री एरर्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय। तो हम डेटा एंट्री एरर्स को कैसे कम कर सकते हैं, डेटा एंटर करते हैं तो उन एरर्स को कैसे कम कर सकते हैं, विजुअल स्कैनिंग से, परफॉर्मिंग वैलिडेशन चेक से, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टैटिकल आउटलायर से, या फिर ऑल ऑफ दी अबव से। इन सभी चीज़ों से हम डेटा एंट्री एरर को है जो कम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज अ डिसीज इज एंडेमिक व्हेन इट इज। किसी भी डिसीज को एंडेमिक कब कहा जाएगा, व्हेन इट इज अकर्स इन मोर देन वन एरिया, कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन अ जियोग्राफिकल एरिया, अकर्स इन मोर देन द एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी एट अ टाइम, या फिर अकर्स इन अ पर्टिकुलर सीजन। कोई भी डिसीज एंडेमिक कहलाएगी जब कोई एक वो पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया को अफेक्ट करती है, मोर देन वन एरिया में जाती है तो वो एपिडेमिक बन जाएगी, फिर मोर देन पूरे अदर जगह जाएगी एक ही टाइम पर, क्या बन जाएगी, पेंडेमिक। तो यदि कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन जियोग्राफिकल एरिया, दैट मीन्स क्या है, एंडेमिक है। नेक्स्ट वन इज डिस्टोकिया इज अ, डिस्टोकिया का मतलब क्या है, अबॉर्शन, नॉर्मल लेबर, एबनॉर्मल लेबर या फिर सर्जेरियन सेक्शन। तो यहाँ पर अबॉर्शन का मतलब होगा जो कंसेप्शियस मटेरियल है उसको क्या होना, अवॉर्ट होना, टर्मिनेट होना प्रेगनेंसी को हम कहेंगे।
नॉर्मल लेवर के लिए टर्म यूज़ किया जाता है यूटोकिया, क्या होगा यूटोकिया। डिस्टोकिया का मतलब होता है एबनॉर्मल लेबर, क्या होगा एबनॉर्मल लेबर। नेक्स्ट वन इज द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कंप्राइजेस ऑफ, तो तीसरी स्टेज है जो लेबर की उसमें क्या होगा, डिलीवरी ऑफ फीटस जो सेकेंड स्टेज में होगा, इफासमेंट ऑफ सर्वेक्स, प्लेसेंटल सेपरेशन और डिसेंट ऑफ द फीटस। तो जो चीज़ होगी किसमें, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है प्लेसेंटल सेपरेट होता है, क्या होगा प्लेसेंटल सेपरेशन स्टेज, जो कि 15 मिनट की होती है, 15 टू 13 मिनट की होती है, किसमें दोनों तरीके की मल्टीपैरा और प्रीमीपैरा में। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई एट रिस्क इन्फेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इनमें से रिस्क इन्फेंट कौन से हैं, इन्फेंट विद डायरिया, माल नरिस्ड बेबी, लो बर्थ वेट बेबी या फिर डाउन सिंड्रोम बेबी। तो रिस्क इन्फेंट इनमें से कौन से हाई रिस्क पर हैं, तो डायरिया के इन्फेंट को हम ट्रीट कर सकते हैं, माल नरिस्ड बच्चे को कर सकते हैं, डाउन सिंड्रोम को। लेकिन यदि एट रिस्क इन्फेंट की बात हो रही है तो LBW वाले बच्चे हैं, लो बर्थ वेट बेबी हैं, जो किस में आएंगे एट रिस्क में। नेक्स्ट वन इज अ क्लिनिकल साइन ऑफ इम्पेंडिंग डेथ इज, तो इम्पेंडिंग डेथ का क्लिनिकल साइन यहाँ पर क्या है, इम्पेंडिंग डेथ का मतलब है जो पर्सन मरने, उसको लग रहा है कि वो मरने वाला है तो वो क्या कहलाएगा यहाँ पर इम्पेंडिंग डेथ, क्या है इम्पेंडिंग डेथ, और इम्पेंडिंग डेथ का यहाँ पर क्या साइन है, ऑप्शन में इंक्रीज्ड मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज, इंक्रीज्ड मसल टोन, वरिंग या फिर चाइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर फाइनल फेज ऑफ इलनेस जिसके कारण पर्सन क्या इमिनेंट डेथ या फिर इम्पेंडिंग डेथ जिसको हम कहें, तो क्या है फाइनल फेज ऑफ इलनेस या फिर बहुत ही ज़्यादा तरीके से यदि प्रॉब्लम हो तो उसको क्या कहते हैं इम्पेंडिंग डेथ, जिसमें क्या होगा प्रोग्रेसिव वीकनेस विथ इंक्रीज टाइम स्पेंड स्लीपिंग एंड इन बेड, जो लंबे टाइम से बेड रिडन है या फिर उनको कुछ भी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं बचा है खाने पीने कुछ में। तो यहाँ पर यदि बात करें तो वो क्या साइन है जो उनकी बॉडी दिखाना स्टार्ट करेगी इम्पेंडिंग डेथ के पेशेंट में, वो होगा यहाँ पर चाइनी स्ट्रोक, क्या है चाइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन, क्या होगा चाइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन है जो एक साइन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा डी चाइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन, रेयर एबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न है दैट कैन अकर्स वाइल अवेक बट यूजुअली अकर्स ड्यूरिंग द स्लीप, लेकिन जनरली ये कभी कभी जगते में भी और लंबे टाइम तक सोने के लोगों में भी देखने को मिलेगी। तो ये क्या है यहाँ पर चाइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन एबनॉर्मल है, रेयर देखने को मिलती है, तो यहाँ पर क्लिनिकल साइन हो गया किसका इम्पेंडिंग डेथ का, तो मरने वाला है उसको ना किसी चीज़ की चिंता रहेगी, ना मसल टोन इंक्रीज होगा, ना ही हाथ पैर ज़्यादा फड़फड़ाएगा। तो यहाँ पर जो साइन होगा वो क्या होगा चाइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट वन इज पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, तो पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी है जो क्या है न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट है या फिर न्यूरोएंडोक्राइन टेस्ट है या फिर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्ट है या फिर ब्रेन इमेजिंग टेस्ट है। तो यहाँ पर PET पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी जो कि एक कौन सा टेस्ट है ब्रेन इमेजिंग टेस्ट, क्या है ब्रेन इमेजिंग टेस्ट है जो कि हेल्प करेगा मेटाबॉलिक और बायोलॉजिकल फंक्शनिंग की टिशू और ऑर्गन में, जो आपके ब्रेन के टिशू और ऑर्गन हैं वहाँ पर क्या फंक्शनिंग हो रही है बायोलॉजिकल फंक्शनिंग उनको चेक करने के लिए ब्रेन इमेजिंग टेस्ट किया जाएगा, जो क्या है PET पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी टेस्ट। नेक्स्ट वन इज इन विच डिसीज कंडीशन बूट शेप्ड हार्ट इज सीन इन द चेस्ट एक्सरे, तो हार्ट का शेप कैसा देखेगा जूते के जैसा, तो बूट शेप्ड हार्ट देखने को किस में मिलेगा, ऑप्शन में है यहाँ पर PDA पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, ट्राइकस्पिड एट्रेसिया या फिर टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट। तो यहाँ पर जो फोर कॉम्बिनेशन ऑफ डिसीज हैं, क्या है फोर कॉम्बिनेशन ऑफ डिसीज इन टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट जिसको हम कहेंगे, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा हार्ट का शेप कैसा होगा जूते के जैसा, बूट शेप्ड हार्ट देखने को मिलेगा। जो ये टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट है इसमें चार कौन कौन सी डिसीज हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पल्मोनरी स्टेनोसिस, मिसप्लेस्ड aorta, थिकेट राइट वेंट्रिकुलर वॉल या फिर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हम जिसको कहेंगे,
तो इस केस में क्या देखने को मिलेगा, टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में हार्ट का शेप जनरली बंद फिस्ट के जैसे होगा, मुट्ठी के जैसा होगा, लेकिन इस केस में क्या होगा, हार्ट का शेप है कैसा देखने को मिलेगा, बूट शेप्ड। नेक्स्ट वन इज आउट ऑफ द फॉलोइंग द बोनी लेबिरिंथ ऑफ इनर ईयर कंसिस्ट ऑफ, इनमें से क्या है जो बोनी, आउट ऑफ द फॉलोइंग द बोनी लेबिरिंथ ऑफ इनर ईयर, तो इनर ईयर में बोनी लेबिरिंथ के अलावा और क्या होगा, ऑडिटरी ऑसिकल्स, ऑडिटरी कैनाल, कोकलिया या फिर पिन्ना। तो ऑडिटरी ऑसिकल्स तो मिडिल ईयर के पार्ट हैं, यहाँ पर जो तीनों पेयर में रहेंगे, मिलियस इनका सिस्टेपस, यहाँ पर कोकली पिन्ना है जो आउटर पार्ट है। अब यहाँ पर आता है इनर ईयर में, तो इनर ईयर का पार्ट यहाँ पर क्या है, कोकलिया। नेक्स्ट वन इज एन एग्जाम्पल फॉर सेस्मॉइड बोन इज, सेस्मॉइड बोन का एग्जाम्पल क्या है, ऑप्शन में पटेला, रिप्स, कार्पल्स या फिर स्टर्नम। टाइप्स ऑफ बोन हमने पढ़े फ्लैट बोन, सॉर्ट बोन्स, तो यहाँ पर है सेस्मॉइड बोन, तो सेस्मॉइड बोन का यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, सेस्मॉइड बोन का एग्जाम्पल है यहाँ पर पटेला, क्या है, नी कैप जिसको हम कहते हैं, तो सेस्मॉइड बोन का एक क्या है, पटेला और कार्पल बोन्स, दोनों याद रखना है आपको, सेस्मॉइड बोन यदि पूछी जाए तो पटेला बोन्स और जो कि कार्पल बोन्स है, क्या है, सेस्मॉइड बोन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स, तो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स का एग्जाम्पल कौन सा है, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स का मतलब होता है कि जब आप किसी जगह काम कर रहे हो, उस काम के दौरान आपको कोई चोट लग जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो क्या कहलाएगा, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। ऑप्शन में सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटस या फिर सिलिकोसिस। तो इनमें से ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स पूछा है, तो क्या है, सिलिकोसिस, क्या है, सिलिकोसिस। नेक्स्ट वन इज इन द डेमोग्राफिक साइकिल इंडिया स्टैंड्स एट विच स्टेज, तो डेमोग्राफिक साइकिल में भारत किस स्टेज में है, हमने पूरी स्टेज पढ़ी है, हाई स्टेशनरी, लो स्टेशनरी, लेट एक्सपेंडिंग या फिर अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज। तो यहाँ पर जो डेमोग्राफिक साइकिल है इंडिया किस स्टेज में है, तो इंडिया है यहाँ पर लेट एक्सपेंडिंग स्टेज में, किस में है, लेट एक्सपेंडिंग स्टेज में, चार स्टेज होंगी तो उसमें से इंडिया कौन सी स्टेज में, लेट एक्सपेंडिंग स्टेज में। नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिक कलेक्शन, ऑर्डरली कंसोलिडेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ पर्टिनेंट डेटा विथ प्रमोट डिसेमिनेशन इज कॉल्ड। तो यहाँ पर सिस्टमिक डेटा कलेक्ट करना, उसको इवैल्यूएट करना पूरा अलग अलग तरीके से क्या कहलाता है, रिसर्च, सर्वेलेंस, मॉनिटरिंग या फिर सेंसस। तो यदि आप पूरा डेटा बस कलेक्ट करते तो वो सैंपल कहलाएगा, लेकिन आपने सिस्टमेटिक कलेक्ट किया, ऑर्डरली कंसोलिडेट किया, इवैल्यूएट किया हर एक चीज़ के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, सर्वेलेंस ऑफ डेटा। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एडिशनल एनर्जी रिक्वायरमेंट इन सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में कितनी कैलोरी की, एक्स्ट्रा कैलोरी की जरूरत पड़ती है। 150 किलो कैलोरी पर डे, 250 किलो कैलोरी पर डे, 350 किलो कैलोरी पर डे या फिर 450 किलो कैलोरी पर डे। अब बात करेंगे हम सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर की, यदि एग्ज़ाम में आप ओनली फर्स्ट ट्राइमेस्टर पूछें तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा कैलोरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में पूछें तो 350 किलो कैलोरी पर डे आपको जो कैलोरी एनर्जी आप ले रहे हैं उससे ज़्यादा आपको 350 किलो कैलोरी लेना होगा, कब, सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में। लेकिन इनकेस फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात आती है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नो एक्स्ट्रा कैलोरी की ज़रूरत आपको पड़ेगी। नेक्स्ट वन इज डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ एन एडल्ट इज, तो डेली कितने प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है एक एडल्ट को, 0.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट या 2.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। तो एक एडल्ट के लिए डेली 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ती है किसकी, प्रोटीन की। नेक्स्ट इज चाइल्ड यूरिया मीन्स, चाइल्ड यूरिया का मतलब क्या है, टर्बिड अपियरेंस इन यूरिन, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन, मिल्की अपियरेंस इन यूरिन या फिर प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन।
यहाँ पर चाइल यूरिया का मतलब है मिल्की अपियरेंस इन यूरिन। कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जिसमें यूरिन का कलर कैसा होगा, दूध के जैसे वाइट दिखेगा, जिसके लिए क्या टर्म यूज़ किया गया, चाइल यूरिया। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ द रिस्क फैक्टर फॉर द सेप्टिक शॉक। तो सेप्टिक शॉक के लिए रिस्क फैक्टर कौन से हैं, तो बर्न वालों में हाइपोवोल्यूमिक शॉक होने के चांस होते हैं क्योंकि फ्लूड लॉस हो जाता है। कार्डियक प्रॉब्लम है तो कार्डियोजेनिक। अब यहाँ पर सेप्टिक शॉक जो इन्फेक्शन के बाद होगा वो कौन सा होगा, किसको ज़्यादा चांस होंगे, डीबीटी वालों को, कार्डियक फेलियर को, एक्सट्रीम एज को, मतलब बहुत ज़्यादा एज हो गई हो, या फिर नन ऑफ दीज। तो सेप्टिक शॉक कब होगा, जब आपको कोई इन्फेक्शन होगा, तो सेप्टिक शॉक के सबसे ज़्यादा चांस होंगे एक्सट्रीम एज वाले पर्सन को, जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई हो उनको सेप्टिक शॉक के चांसेस हैं जो ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट वन इज आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कम्फर्ट डिवाइस प्रिवेंट द एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हिप्स ऑफ अ बेड रिडन पेशेंट। तो इनमें से कौन सी डिवाइस है जो पेशेंट बेड रिडन पेशेंट को क्या करेगी, एक्सटर्नल रोटेट करेगी, तो उसको कम्फर्ट प्रोवाइड कराएगी। टोकेंटर रोल्स, हैंड रोल, ट्रेपेजी बार, या फिर स्टैंड बैग। तो क्या है जो एक डिवाइस जो कि पेशेंट को, जो कंप्लीट बेड रिडन पेशेंट है, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप, मतलब हिप को रोटेट करने में हेल्प करेगी। तो यहाँ पर टोकेंटर रोल्स ये रहे, यहाँ पर फर्स्ट इमेज दिख रही है, क्या करेगी, बेड रिडन पेशेंट को गिरने से बचाएगी भी और साथ ही साथ कम्फर्ट भी देगी। फिर आता है यहाँ पर हिप एबडक्शन वेज, इस तरीके से यूज़ किया जाएगा। फिर आते हैं स्प्लिंट, तो स्प्लिंट तो सबको पता है, लेकिन जिनका कंप्लीट हिप ट्रांसप्लांटेशन हुआ है उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है क्या, टोकेंटर रोल। नेक्स्ट वन इज आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट कैन बी अ पॉसिबल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर ब्रूसेलोसिस। तो ब्रूसेलोसिस का जो इन्फेक्शन है, पॉसिबल सोर्स क्या हो सकते हैं ब्रूसेलोसिस है, जो किसको ज़्यादा या फिर किसके थ्रू ट्रांसमिट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, पॉसिबल सोर्स क्या होगा ब्रूसेलोसिस के लिए। तो ऑप्शन है यहाँ पर रेड, सीप, गॉट्स या फिर हॉर्सेस। तो ब्रूसेलोसिस क्या है, जनरली एक हाईली कंटेजियस डिसीज़ है जो कि अनपास्चराइज्ड मिल्क या फिर अनपास्चराइज्ड मीट खाने से होगी। तो यहाँ पर ब्रूसेलोसिस किससे हो सकता है, गॉट्स से, किससे, बकरियों से होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट इज द चीफ रेगुलेटर ऑफ इम्यून मैकेनिज्म, इम्यून मैकेनिज्म की चीफ रेगुलेटर सेल्स क्या हैं, हेल्पर टी सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स या फिर सप्रेसर सेल्स। तो चीफ रेगुलेटर सेल्स इम्यून मैकेनिज्म की वो क्या है, यहाँ पर हेल्पर टी सेल्स। नेक्स्ट वन इज टाइफॉइड फीवर इज द, तो टाइफॉइड किस टाइप का बुखार है, बैक्टीरियल है, वायरल है, पैरासाइटिक है या फिर नन ऑफ दी अबव। सबको पता है टाइफॉइड बैक्टीरियल डिसीज़ है जो कि साल्मोनेला टाइफी के थ्रू होगा। टाइफॉइड का क्लासिकल साइन एग्जाम में आता है तो क्या, पीसू, पिस्टूल, टेस्ट पूछा जाए तो विडाल टेस्ट, जो कि डायग्नोस करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज फैगोसाइटोसिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल इनगल्फिंग। फैगोसाइटोसिस किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, न्यूट्रोफिल्स की, लिम्फोसाइट की, इसोनोफिल्स की या फिर मोनोसाइट्स की। जो फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये न्यूट्रोफिल्स की। नेक्स्ट वन इज विच वन हैज़ नो न्यूक्लियस, तो इनमें से कौन है जिनके पास केंद्र नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट्स या फिर मोनोसाइट्स। तो जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है वो क्या है, आरबीसीज, एरिथ्रोसाइट जिनको हम कहेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, विच सब्सटेंस फॉर्म्स अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ एयर। एटलीस्ट 20% ऑफ एयर कौन बनाता है, सॉरी, एयर में प्रेजेंट रहेगा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसका आंसर आपको दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, हैव अ गुड।